Assalamu alaikum, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So first of all, you have to subscribe my channel and press the bell icon for latest update. और आज की वीडियो है एक हेयर रेमेडी और ये आपके बालों को बहुत नरिश कर देगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी. तो चलते हैं. इस रेमेडी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं एग योक, योगर्ट एंड ग्रैम फ्लोर यानी कि बेसन. और योक आपके ड्राई बालों को बहुत नरिश कर देती है. और अगर बात कर लें ग्रैम फ्लोर की, तो ये भी सेम एज हमारी स्किन की तरह हमारे बालों में भी काम करता है. हमारे बालों के जो पोर्स होते हैं उनको क्लियर आउट कर देता है. ही और बेसन का सेम फंक्शन है, ये हमारी स्कैल्प को यानी कि जो खोपड़ी होती है इसके ऊपर जो लेयर है हमारे बालों की उसको क्लीन करता है ताकि बाल अच्छे तरीके से ग्रो हो सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव मी अ बिग थम्स अप. तो आज के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पहले बता दिए हैं लेकिन दोबारा रिपीट कर देती हूँ. हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 2 एग योक्स, योगर्ट एंड ग्रैम फ्लोर यानी कि 2 अंडे की जर्दियाँ और बेसन और दही. और आप लोग ये तमाम क्वांटिटी अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मैयर करके यूज़ कर सकते हैं. मैंने इधर 2 एग योक्स इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि मेरे बालों को यही कवर कर सकते हैं. अगर मैं एक इस्तेमाल करती तो कवर अप नहीं होती. और यहाँ पे हमने क्या करना है, दही और ग्रैम फ्लोर को मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से. फिर इसको जो अंडे की जर्दियाँ हैं उनमें मिक्स करके अपने बालों को अप्लाई करना है, बालों पे अप्लाई करना है सॉरी. और फिर इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट्स अपने लगे रहने देना है. और ज़्यादा कर सकते हैं तो 45 से 50 मिनट्स इज़ इनफ. तो आप लोगों ने अपने बालों पर अप्लाई करना है और उसके बाद सूखने के लिए रहने देना है. और आप लोगों को फील होगा जैसे आपका सर हैवी हो गया है क्योंकि बेसन सूखेगा तो वो वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा आपके बालों को. और आप लोगों को लगेगा बहुत सर हैवी हो रहा है, बाल जुड़ रहे हैं. तो आप लोगों ने इसको अवॉइड करना है क्योंकि अच्छी लुक के लिए कुछ तो क्या कहते हैं एम्बैरेसमेंट या एम्बैरेसिंग थिंग अपने आप पर अप्लाई करनी पड़ती हैं. तो ये मेरी अपनी DIY है और डू इट योर सेल्फ है. मैंने ये अपना हेयर मास्क खुद बनाया था, मैं अप्लाई भी करती हूँ अपने बालों पे. तो बहुत अच्छी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये और बहुत ज़्यादा लुक जोनसी बालों की चेंज हो जाती है. और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जिनके बाल ऑयली हैं तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एग वाइट. लेकिन मेरे बाल ड्राई हैं क्योंकि मैंने ईद पे की थी हेयर डाई और बाद में मुझे लग रहा है कि जैसे मेरे बाल मर गए हैं, बहुत मुरझाए हुए हैं. तेल भी लगाती हूँ आप लोगों के साथ, जो मैंने पहले अपनी रेमेडी शेयर की थी विटामिन ई कैप्सूल्स की और एलोवेरा जेल की. अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. वो भी मैं अपने बालों पर लगाती हूँ लेकिन फिर भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं. तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों के साथ एक अपना मास्क शेयर किया जाए और ख़ुद भी बालों पर अप्लाई किया जाए. तो एग योक इसीलिए होती है ताकि वो आपके ड्राई बालों को नरिश कर सके, आप लोगों के बाल दोबारा से उसी असली हालत में आ सके जो हमने ख़राब कर लिए होते हैं दूसरे चीज़ें इस्तेमाल कर करके, स्ट्रेटनिंग कर करके. तो ये थी आज की सिंपल सी वीडियो. तो बस आपने क्या करना है, दही को और बेसन को अच्छे तरीके से फेंट लेना है. फिर इसको एग में डाल के यानी कि एग योक्स में डाल के आप लोगों ने एक बार बीट करना है और उसके बाद अपने बालों पर अप्लाई कर देना है. और फिर सूखने के लिए तकरीबन 40 से 45 मिनट्स आपने लगे रहने देना है. और उसके बाद वॉश करेंगे, आपके बाल बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, एक ग्लो आ जाएगी बालों में, शाइन प्रोड्यूस करेंगे और आप खुद फील करेंगे कि नरिश हो गए हैं. क्योंकि एग योक जोन सी है वो आपके बालों को नरिशमेंट देती है, योगर्ट आपके बालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस सूरत में देता है कि वो आप लोगों के बालों की ग्रोथ को दोबारा से स्ट्रेंथ आउट कर देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपके बाल फिर से बढ़ने लग जाते हैं, ग्रोथ अच्छी हो जाती है. और ग्रैम फ्लोर आपके बालों को एक अच्छी सी क्लींजिंग प्रोवाइड करता है जिस तरह स्किन के लिए है. तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. अल्लाह हाफिज़.